कि ये जो सब्जेक्ट है फ्यूचर लीडर्स यानी हम क्या हैं वो कभी महत्वपूर्ण नहीं होता, हम क्या रहेंगे वो महत्वपूर्ण है। आज मैं क्या हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, आज के 5 साल के बाद मैं क्या रहूंगा वो इंपॉर्टेंट, रहूंगा कि नहीं रहूंगा वो इंपॉर्टेंट। तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट फ्यूचर, आपको फ्यूचर के लिए तैयार होना है। तो फ्यूचर में कैसे लीडर्स की जरूरत है और कौन फ्यूचर को संभाल सकता है, उसके लिए क्या परिवर्तन करना चाहिए, जो मैंने स्वयं अपने जीवन में किया है मैं वही आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहली चीज जिंदगी की क्या है, सबसे बेसिक जो वसूल है, हम सभी हमारे धर्म में हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि 84 लाख योनियों में परिवर्तन लेने के बाद मनुष्य का मिला है, उसके बाद एजेंट का रूप मिला है। 84 लाख योनियों में परिवर्तन लेने के बाद ही हमारे हिंदू धर्म की मान्यता, हमें मनुष्य का रूप मिला। तो अगर 84 लाख योनियों में परिवर्तन लेने के बाद मनुष्य का रूप मिला है तो टाइम पास करने के लिए तो नहीं मिला होगा, कुछ तो करने के लिए मिला था कुछ तो। अब आप इंश्योरेंस के एडवाइजर बने, मैं ट्रेनिंग में आ गया, कौन किस व्यवसाय में गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हम व्यवसाय को नहीं चुनते हैं, व्यवसाय हमें चुनता है। आप हम सेल्स के लोग हैं, हमें नहीं पता था हम सेल्स में जाएंगे, हमें नहीं पता हम LIC अभिकर्ता बनेंगे, फिर CLIA कभी आएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा और आप CLIA बनेंगे, ये सब किसी को पता नहीं था। लेकिन आप इस फील्ड में आए क्योंकि हम व्यवसाय नहीं चुनते, व्यवसाय हमें चुनता है। अब आप आ गए इस फील्ड में, इस धंधे में, तो मेरे दोस्तों मैं सिंपल एक बात आपको बोलना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है वो, कि अब आए हैं तो बेस्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में वही सक्सेसफुल बनता है जो हर चीज बेस्ट करता है। बेस्ट करने के लिए कोई प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, बेस्ट करने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, बेस्ट करने के लिए आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बेस्ट करना हमारे जीवन में एक पहला नियम है कि जो भी काम करेंगे बेस्ट करेंगे, जो भी धंधा करेंगे, जो भी व्यवसाय करेंगे बेस्ट करेंगे। मुझे सेल्स पसंद नहीं था, बेचना पसंद नहीं था, लेकिन मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया, एक मुझे मेरे बॉस ने मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे सेल्स के लोग, जैसे आप लोग यहां 2 दिन से बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स के लोग बैठे हुए थे, और उस जो ट्रेनर थे एकदम सीनियर, जैसे सर बैठे हुए आगे, एकदम सीनियर ट्रेनर थे, और सभी के हाथ में राइटिंग पैड था, पेन था, जैसे आप लोग लिख रहे हैं, आप सभी के पास है। मेरे ट्रेनिंग में लिखना ज्यादा पड़ता है तो आपको लिखना पड़ेगा अभी थोड़ी देर के बाद। सो उन्होंने हमसे कहा, सभी लोगों से कहा, तब 18-19 साल एज थी, 20 साल, सभी से कहा लिखो। बोले क्या? कि आप जीवन में क्या बनना चाहते थे अपने जीवन में। आप सभी सेल्समैन हैं लेकिन बनना क्या चाहते थे? तो किसी ने लिखा सर हमारा सपना डॉक्टर था, किसी ने लिखा इंजीनियर था, किसी ने लिखा IAS था, किसी ने लिखा इंजीनियर था, अलग 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 अधिकारी, अलग 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 सपना लिखा सर। फिर उन्होंने पूछा कि आप सभी लोग अभी क्या हैं? तो बोले सारे सेल्समैन हैं। यानी जिसका सपना IAS था वो भी सेल्समैन है, जिसका सपना डॉक्टर था वो भी सेल्समैन है। और मैं पीछे बैठ के, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बॉस ने भेज दिया था, मैं चला गया था। मैं पीछे बैठ के पेपर पे कुछ बना रहा था, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मन ट्रेनिंग में नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, अभी भी बना रहे होंगे। तो मैं भी कुछ बना रहा था, लेकिन जो गुरु होता है वो पहचान लेता है। बोले खड़गम, मैं खड़ा हो गया। बोले क्या बना रहे हो? मैंने कुछ नहीं सर, वो दिखाओ। बोले टाइम पास कर रहे हो? बोले तुम्हारा सपना क्या था? तो मैंने बोल दिया सर मेरा सपना हीरो बनने का, क्योंकि देखने में तो मैं लगता हूं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 18 दिसंबर 2022 को मैंने अपने जीवन के 40 साल पूरे किए हैं, लेकिन मैं दिखता 20 का ही हूं। तो और उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको सिखा दूंगा एज ए लीडर। सो उन्होंने बोला अच्छा ऊपर आओ। मैं ऊपर आ गया। बोले हीरो बनना चाहते हो?
मैंने बोला नहीं सर। बोले सर बताओ। बोले हाँ सर। बोले हीरो बनना सबसे आसान है। क्यों पुनाराम जी? हीरो हीरो बनना बहुत आसान है। मुझे खुशी यह है कि यहाँ पे 50% मेरा स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो हीरो बनना बहुत आसान है। तो सारे लोग ऐसा देख रहे थे, हीरो बनना आसान कैसे है? उन्होंने बोला सबसे इजी है हीरो बनना। तो सबने पूछा सर कैसे? तो बोले हीरो बनने के लिए शाहरुख खान का स्टाइल, अमिताभ बच्चन की आवाज, सलमान खान की बॉडी, अक्षय कुमार का एक्शन और मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सब लोग ऐसा देख रहे थे, बोले कैसे? उन्होंने बोला हीरो बनना सबसे इजी है। सबने बोला कैसे? उन्होंने बोला जिस धंधे में रहो उसका हीरो बन के रहो, जो व्यवसाय करो उस व्यवसाय का हीरो बन के रहो। हीरो बनने के लिए बॉलीवुड जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप का हीरो बन जाइए, अपनी पत्नी का हीरो बन जाइए, अपने बच्चों का हीरो बन जाइए। वो दिन है और आज का दिन है, जितनी जगह पे काम किया, जितने साल काम किया, जितने साल से ट्रेनिंग का काम कर रहा हूं, जहां भी हूं हीरो बन के रहता हूं, नंबर वन रहता हूं मेरे दोस्तों, हर समय हर दिन नंबर वन बन के काम, क्योंकि हीरो बनने के लिए सबसे ईजी है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में आए हैं ना एज ए CLI है, तो आप हीरो होना चाहिए। नेवर एक्सेप्ट लेस देन नंबर वन इन द डिविजन। डिविजन में नंबर वन से नीचे सोचने का नहीं कभी लाइफ में, मिनिमम नंबर वन होना चाहिए। और उसके लिए आपको करना क्या चाहिए एज ए लीडर, मैं कुछ फार्मूले बता दूंगा जो मैं करता हूं, आपके काम आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों लीडर है कौन? मैंने कम से कम अपने जीवन में कुछ नहीं तो 400 किताबें पढ़ी होंगी लीडरशिप पे, और एक छोटी सी किताब जिसका नाम है 1 मिनट लीडर, पढ़ लीजिएगा सब लोग 1 मिनट लीडर। एक छोटी सी किताब ने बहुत कुछ चेंज किया मेरे अंदर, बहुत सारा परिवर्तन आया उस बुक की वजह से, द 1 मिनट लीडर। लीडर है कौन, किसको लीडर कहेंगे, हु इज द लीडर? तो लीडर की परिभाषा यह है मेरे दोस्तों, लीडर इज द पर्सन, लीडर वो आदमी है हु नोज द वे, जो रास्ते को जानता है। लीडर इज द पर्सन हु शोज द वे, जो रास्ता दिखाता है। लीडर इज द पर्सन हु हिमसेल्फ गोज द वे, यानी वो व्यक्ति जो उस रास्ते पे चलता है। लीडर वही होगा जो रास्ता दिखाएगा, रास्ता जानेगा और उस रास्ते पे पहले स्वयं चलेगा, फिर पीछे से लोगों को कहेगा चलो। लीडरशिप बहुत अलग खेल है, लीडरशिप अलग गेम है। लीडर बनना आसान काम नहीं है, काम करना बहुत आसान है, काम करवाना बहुत मुश्किल है। मैं CLIA को ट्रेनिंग देता हूं, मेरा कोर्स चलता है पूरा पूरा साल का, यही क्वेश्चन रहता है सर बनाते बहुत हैं, साले टिकते नहीं। सर इस महीने तो 50 बना दिया, बच्चे 15, क्यों? लीडरशिप बनाना आसान है। हेलो, समझा पा रहा हूं आपको, रोकना टिकाना मुश्किल है, बनाना तो बनाने का ही, हमेशा पैदा करते रहो। कोई भी प्रकार की दवा मत खाओ, पैदा करो बस, वो अपने आप समझ जाएंगे सबके सब। पैदा करने में कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए कभी लाइफ में। 200 का बनाओ, 300 का टीम बनाओ, 400 का टीम बनाओ, 1000। मेरा तो सपना है कि कोई ऐसा लीडर बने जो कम से कम 1000 अभिगर का रिक्रूट करे। अभी तक जिनको मैं प्रशिक्षण देता हूं उन लीडर में से 250, 300, 400 तक लोग पहुंचे हैं, लेकिन 1000 भी लोग पहुंचेंगे, 1000 भी पहुंचेंगे। लीडरशिप में बनाना प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सीखने जैसा है, लेकिन बनाने के बाद टिकाना प्रॉब्लम, लोग टिकते नहीं है। वो एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं रिटेंशन, हाउ टू रिटेन पीपल। मेरे कंपनी में आज तक कोई छोड़ के नहीं गया मुझे पिछले 9 साल में। तो लीडरशिप इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड, सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यू नीड 3S टू बिकम सक्सेसफुल लीडर। ये मैंने खुद बनाया है, कोई बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, मेरा अपना मानना है ये। मे बी आप माने, मे बी आप शायद ना भी माने, बट इट इज माई बिलीफ।
थ्री एस चाहिए। अगर आपको लीडर बनना है तो तीन एस चाहिए आपको, तीन एस चाहिए आपको अगर आपको लीडर बनना है तो थ्री एस चाहिए। पहला एस जो है उसको कहते हैं सोच, जिसको मैं कहता हूं 6 inch एबव द शोल्डर। जोर से बोलिए, यहां पे सारा खेल है। इसके नीचे तो टाई सूट 1000 लोग पहन सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं पता नहीं आपको, इसके नीचे तो टाई सूट पहन के कोई भी साला पागल घूम सकता है। ठीक है, द गेम इज हियर, खेल यहां है, खेल यहां नहीं है, यहां कुछ नहीं है, खेल इधर है। लीडरशिप इज दिस, दैट इज कॉल्ड 6 inch अबव द शोल्डर, कंधे के ऊपर 6 inch, यही आपको बना सकता है बुद्धू और यही आपको बना सकता है बुद्ध। It's not about mindset, my dear friend. ये आपको बुद्धू भी बना सकता है और बुद्ध भी बना सकता है। ये सोच है बुरा। It is all about here. यहाँ पे सारा खेल यहाँ है, 6 inch above the shoulder. पहला खेल सोच है। यहाँ पे आप कुछ फोटो देखेंगे, सभी को आप पहचानते होंगे लगभग, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, लिली रेसन, आइंस्टाइन, पीसी छबड़िया, माइकल डेल, स्टीव जॉब्स, सुभाष चंद्रा, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, करिश्मा कपूर, आप लगभग सभी को पहचानते हैं। अगर पहचानते हैं तो एक बार जोर से बोल दीजिए हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हाँ। ये जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हो उनकी कहानी छोड़ दीजिए। लिली रिसन नंबर 3, ओरेकल एक कंपनी है, विश्व का नंबर 3 या नंबर 4 अमीर है वो। आइंस्टाइन को आप जानते ही हैं, पीसी छबड़िया, फिनोलेक्स का नाम सुना, फिनोलेक्स पाइप वायर वो कंपनी का मालिक है वो, पीसी छबड़िया। डेल कंपनी का नाम सुना, लैपटॉप आते हैं, माइकल डेल। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी, सुभाष चंद्रा जी टीवी, हेलो आप जानते हैं, बाकी 4 को आप जानते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये लीडर्स हैं। अब आप बोलेंगे करिश्मा कपूर को क्यों डाला, शी इज द ओनली हीरोइन जिसने लगातार 10 पिक्चर हिट दिया था गोविंदा के साथ, ये नंबर वन, सब नंबर वन। ठीक है, शी हैज गिवन कंटिन्यू 10 हिट्स। ये सारे के सारे लोगों में एक कॉमन बात है, क्या है जो से बोलिए, एक कॉमन बात है क्या, वो कॉमन बात ये है कि ये सारे या तो स्कूल से भगाए गए थे या स्कूल छोड़ के आए। ऑल आर द कॉलेज ड्रॉप आउट, कौन है, या तो ये स्कूल से निकाल दिए गए थे कि इनको ले जाओ, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखिएगा, जिसके पास डिग्री होती है वो एक ही काम कर सकता है, जिसके पास डिग्री नहीं है कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे बच्चे जब फेल होके आए तो खुश होना, वो इसमें से कोई ना कोई आइटम बनेगा। वो मैं गांव जाता हूं तो अब क्योंकि फेसबुक ऐसी दुनिया हो गई है कि सब जान गए हैं कि ये कोई व्यक्ति है, LIC में पढ़ाता लिखाता है, वरना कोई जानता नहीं। तो गांव के लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके मेरे पास, इसको समझाओ जीवन में कुछ करे। मैं बोलो क्या करते बेटा, अभी हाई स्कूल में हो, कितना परसेंटेज, अभी हाई स्कूल पास किया है, अब 12वीं में जाना है, मैं आगे क्या करूं, आप बताइए, आप तो इतना सिखाते हैं। मैं बोला तेरा नंबर कितना आया था हाई स्कूल में, बोले 93। मैं बर्बाद हो चुका है, ये खत्म है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। उसका बाप बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं बोला इसको पूछो क्या करेगा, पूछो 12वीं करेगा, फिर कोटा जाएगा, कोटा में जाके 3 साल लोटा लेके घूमेगा, उसके बाद नीट की तैयारी करेगा, पूछो उसको, फिर इंजीनियर, फिर उसके बाद या तो नीट करेगा या तो IIT करेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ बनेगा, नौकरी करेगा, पूछो। उसका फिक्स है 12 लाख का पैकेज। अगर कोई ऐसा बच्चा आता है ना, अरे पागल है, पढ़ता लिखता नहीं, थोड़ा इसको समझाओ, मैं बोले यही चलेगा सर,
अपने को यही चलेगा पढ़ा। मेरी बेटी है, बड़ी है वो, और बेटा छोटा है, तो बेटी पढ़ने में तेज नहीं बिल्कुल, मतलब उसको मन ही नहीं लगता है, और उसकी माँ जो है उसको चाहती है कि पढ़े। मैं बोलो वो नहीं पढ़ रही है और तेज नहीं है, यही सबूत है कि मेरी है। गेम समझ रहे आप? गेम क्या है? 6 इंच अबव द शोल्डर, टाई पहन के सूट पहन के कोई भी घूम सकता है, पहचान इससे होती है। हेलो, पहचान इससे होती है। सक्सेसफुल बनने के लिए एक ही फार्मूला है, अपने आप को इतना महान बना दो कि कुछ भी कपड़ा पहन लो लोग समझे ब्रांडेड ही पहना होगा। समझ आया मेरी बात? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इधर है, इधर गेम है, पूरा खेल इधर है, दैट इज द सोच। एक एक का किताब पढ़ो आप, सबका किताब है सब, सबकी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज देयर, यहां ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा डिग्री क्या है? देखो जीवन में सिर्फ दो ही बार लोग पूछते हैं कितना परसेंट लाए, दो तीन बच्चे बैठे उनके लिए बोल रहा हूँ, एक हाई स्कूल में पूछते हैं, एक बारहवीं में पूछते हैं, उसके बाद पूरा जिंदगी पूछते हैं कितना कमाते हो, फिर परसेंटेज कोई नहीं पूछता है। सारा खेल इधर है, सारा गेम इधर है, द लाइफ इज हियर। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैंने जो सीखा कि लीडरशिप स्टाइल यानी कार्य शैली हिंदी में कहते हैं, चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो कुर्सी है जहां अक्षय जी बैठे हैं, एंड यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, आप इतना अच्छा कर रहे हैं ट्रेनिंग में रियली। तो ये जो कुर्सी है इस पे लिखा है CLIA, यानी इस कुर्सी पे कौन बैठेगा? लीडर। कौन बैठेगा? लीडर, है ना, लीडरशिप। याद रखिएगा, कुर्सी पे बैठने से कोई लीडर नहीं बनता। आप एलिजिबल हो गए, आप क्लब मेंबर हैं, आप एलिजिबल हो गए, आपका फॉर्म भर दिया ABM सर ने बोला और आप CLIA बन गए। CLIA बनना अलग है और लीडर बनना अलग है। हर CLIA लीडर होना चाहिए, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप एक अलग क्वालिटी है। लीडर होते हैं चार तरीके के। सबसे पहला जो होता है, कुर्सी किसकी है, बैठा कौन है? सामान्य आदमी। हेलो, इसके अंदर क्वालिटी नहीं है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इसको लीडर बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये एलिजिबल था, एज पर द सिस्टम इसको लीडर बनाया जा सकता है। हेलो, जैसे हमारे देश है, यहां पे जिसको जनता वोट देगी वो लीडर बन जाएगा, उसकी डिग्री विग्री उसका कुछ भी चेकिंग नहीं भेजा, जिसको सरकार जनता मोहब्बत करेगी उसको बना देगी। लेकिन कुर्सी में बैठना इज नॉट लीडरशिप। कुर्सी किसकी है? लीडर की है, लेकिन जो बैठा है उस पे वो लीडर है कि नहीं? अगर कुर्सी पे सामान्य आदमी बैठा है, सामान्य आदमी, तो इसकी समस्या एक ही रहेगी, ये हमेशा रोता रहेगा, एजेंट नहीं बन रहे, एजेंट नहीं बन रहे, एजेंट नहीं बन रहे, एजेंट नहीं बन रहे, एजेंट नहीं बन रहे। तो तुम मर जा साले, एजेंट नहीं बन रहे तो। किसने बोला था फॉर्म भरने का CLIA को? तुमको क्या लगा था वो आसान कुर्सी है? प्रधानमंत्री का कुर्सी इजी नहीं होता। लो, देखने में अपने को इजी लगता है कि बहुत आसान बैठा हुआ है, उस पे सारा अंगारा रखा हुआ है। लीडरशिप में आसान नहीं होता, इधर पिछवाड़ा हिल जाता है पूरा। खुद काम करके COT करना बहुत पंकज जी, लेकिन टीम में COT बनाने में ना फट जाती है, क्योंकि काम करना आसान है। दिनेश जी का हमारा एक इनका एडवाइजर है, उदित जैन, मेरे स्टूडेंट है, अभी पहला नया एजेंट COT के है। राजेंद्र जी की पूरी टीम ट्रेनिंग में रहती है मेरे, कंप्लीट पूरा पूरा 30-30 लोग, 40-40 लोग ट्रेनिंग में रहते हैं मेरे। दोस्तों, लीडरशिप, अगर कुर्सी लीडर की है और बैठा कौन है, वो रोता ही रहेगा हमेशा।
प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आ तो गए हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या। मेरे को उसको लगा तो सब इजी है, बस इधर बनेंगे, इधर 100 एजेंट बनेगा। उसने झावर साहब को देख लिया, रतौरी साहब को देख लिया, दिनेश साहब को देख लिया, अरे क्या कमा रहे ले बाबा, 50-50 लाख रुपए आ रहा है सीधा सीएलआई भर जाओ। अरे वो 50 कमाने के लिए इधर का पसीना इधर आ जाता है। आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न। आज सीखा जा सकता है, मैंने भी सीखा है, मैंने भी लर्निंग किया। अब ये क्योंकि समय कम है एक्चुअली दोस्तों, और मुझे बहुत कुछ सिखाना है, आगे बढ़ जाओ। सेकंड जो है मेरे दोस्तों, सेकंड कहलाता है मैनेजर। एक्चुअली कुर्सी लीडर की है, बैठा मैनेजर है। इसकी क्वालिटी क्या है? ये बहुत ज्ञानी है, सारे सर्कुलर एलआईसी के इसको पता है, धंधा एक पैसे का नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन हमेशा लगाए। ये ज्ञानी है, इसको नॉलेज बहुत है, बहुत ज्ञान है इसको। इसको बड़ा बड़ा एजेंट लोग फोन करते हैं कि अगर ये पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है तो क्या करने का, 2 मिनट में बताता है ऐसा करने का, खुद धंधा नहीं करता। ज्ञानी है ये, मैनेजर है। इसको लगता है खाली कुर्सी में बैठा रहूंगा अपने आप एजेंट बन जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं बनेगा। कैसा भी करके रोके गाके इसने 20 का टीम खड़ा कर दिया। वो पहले वाले का तो 4 का टीम है और वो भी समझ नहीं पा रहा है कि वो चारों किधर है। हाँ यस, ये बनाया 20 का टीम बनाया इसने, 20 का टीम बनाया। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका टीम इसका सुनता ही नहीं है। यूनिट मीटिंग बुलाएगा कोई आता ही नहीं है, बिकॉज लीडर बन गया है लेकिन अभी तक अपने अंदर से वो पुराना वाला एजेंट जो है वो घुसा हुआ है, वो बाहर निकल नहीं रहा अंदर से। समझ आ रहा आपको? तो 20 आदमी का टीम बना के उसको लगता है मैं ऑल इंडिया नंबर वन हो जाए, कभी नहीं होगा। तो ऑल इंडिया नंबर वन होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। गजेंद्र जी को पूछे क्या क्या करना पड़ता है, रुद्रपाल को पूछे क्या क्या करना पड़ता है, रवि सोनी किधर गया, क्या क्या करना पड़ता है, देन बनते हैं आप। तीसरा जो लेवल है वो है लीडर। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इसका अपना बिजनेस भी अच्छा होता है और इसकी टीम का बिजनेस भी अच्छा होता है, दोनों अच्छा होता है। ये खुद भी MDRT है, टीम में भी 5 MDRT। ये खुद भी COT है, टीम में भी COT है। ये खुद भी जबरदस्त काम कर रहा है, इसका टीम भी जबरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल लीडर है, इसको पता है लीडरशिप क्या होता है। अगर ये एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दे कि कल 4 बजे यूनिट मीटिंग है तो 3:45 पे एजेंट आके बैठ जाते हैं। लेकिन वो जो 2 नंबर वाला है ना, वो तो बेचारा फोन करता है कि यूनिट मीटिंग आ गया है, आओ खाना भी है, फिर भी लोग नहीं आते, क्योंकि वो लीडर नहीं है। वो खाली उसका प्रोफाइल लीडरशिप का है। और जो चौथा लेवल है वहां तो पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, मैं खुद नहीं पहुंचा अभी तक। इसको कहते हैं रोल मॉडल। वहां तक तो मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं, तो मैं किसी को सिखा भी नहीं पा रहा हूं। रोल मॉडल इस अलग सिस्टम में पूरा। रोल मॉडल का मतलब होता है कि तुमको देख के लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहे। ये लीडरशिप का एकदम हाईएस्ट लेवल है, चौथा नंबर है, ये 4th लेवल है लीडरशिप। लीडर कभी फार्म वार्म नहीं भरता है। लीडर खड़ा हो जाए तो साला 4 MDRT खड़ा हो जाना चाहिए। लीडर का मतलब होता है अलग ही खेल है पूरा, अलग ही गेम है लीडरशिप। लीडरशिप पूरा एक अलग सिस्टम है। मैं आपको कुछ तकनीक सिखा दूंगा, अगर वो तकनीक आप सीख जाएंगे तो 3 नंबर तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। 4th नंबर तक मैं जब खुद पहुंच जाऊंगा तब तुमको पहुंचाऊंगा। यस, बिकॉज मैं वो सिखाऊं जो मैं करता नहीं हूं तो वो मेरे ट्रेनिंग के खिलाफ है। लीडरशिप 2 तरीके का होता है। लीडर्स 2 तरीके के हैं, स्टाइल 4 है, लेकिन अगर लीडर बनना है तो लीडर 2 तरीके के होते हैं। एक कहलाता है सर्वेंट लीडर
और एक कहलाता है सेल्फ सर्विंग लीडर। अब ये भी एक लंबा सब्जेक्ट है, शॉर्टकट में दो लाइन में सिखाता हूं। जहां लीडर हमेशा अपना फायदा सोचे, क्या सोचे, क्या सोचे पहले, और टीम का, उसको सेल्फ सर्विंग लीडर बोलते हैं। यानी जहां मेरा फायदा उसके बाद टीम, और जहां लीडर हमेशा टीम के बारे में सोचे, टीम के बारे में सुने, टीम के बारे में बात करे, हमेशा मेरा टीम, मेरा टीम, मेरा टीम, मेरा टीम, यानी टीम आगे बढ़ना चाहिए, उसको सर्वेंट लीडर कहते हैं। और सर्वेंट लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जहां आप बैठे हैं, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने महाभारत की लड़ाई में कभी तलवार नहीं उठाया, अर्जुन का भी इस्तेमाल किया, युधिष्ठिर का भी इस्तेमाल किया, सहदेव का भी इस्तेमाल किया, नकुल का भी, जैसी जिसकी क्वालिटी थी उसको इस्तेमाल किया, कभी तलवार नहीं उठाया और पूरी महाभारत जीत ली। मेरे दोस्तों, लीडर वो होता है जो कभी तलवार उठाना नहीं चाहिए, काम करवाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कभी धनुष बाण नहीं उठाया, सिर्फ सबसे काम करवाया, सबसे काम करवाया। सर्वेंट लीडर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे। उन्होंने हमेशा काम करवाया, खुद कभी काम नहीं किया, उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाया, बोले तुम करो, मैं बस तुमको लेक्चर दूंगा, जब तुम लफड़ा करके आएगा मैं संभाल लेगा। मेरा एक बॉस था, जब भी उसके पास जाओ तो वो एक ही चीज बोलेगा, मैं देख लेगा, देखता कुछ नहीं था वो, लेकिन उसके बात में इतना दम था कि अपने अंदर पूरा जुनून आया था, सारा ठीक है बॉस खड़ा है तो मैं आग लगा दूं। जब मैं बॉस बना मैंने भी वही टेक्निक सिखाई। कोई भी प्रॉब्लम लेके एक ही चीज बोलने का, मैं देख लेगा, उनको लगता है अपने साथ है वो, कुछ प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, खाली उनको लगता है आदमी अपने साथ है। लीडरशिप एक्शन है, पोजिशन नहीं है। लीडरशिप एक्शन में आता है, पोजिशन में नहीं आता। पोजीशन नहीं है, टाइटल लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप आपके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए, लीडरशिप आपके कार्यशैली में दिखना चाहिए, लीडरशिप आपके बातचीत में दिखना चाहिए, लीडरशिप आपके बैठने के स्टाइल में दिखना चाहिए, लीडरशिप आपके सुनने के स्टाइल में दिखना चाहिए, लीडरशिप आपके लिखने के स्टाइल में दिखना चाहिए, लीडरशिप हर जगह दिखना चाहिए। बिकॉज लीडरशिप इज एक्शन, नॉट द पोजिशन। पोजीशन से कुछ नहीं होता। आपका नाम CLIA है या उसका नाम LIC कुछ और सुंदर कर देगा तो चलेगा, नाम से कुछ नहीं होता है। लीडरशिप इज एक्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज में लीडरशिप दिखना चाहिए। और अगर आपको लीडर बनना है, कितने लोग बनना चाहते हैं लीडर, शानदार लीडरशिप, कितना लोग 200 लोगों का टीम बनना चाहते हैं, शानदार। तो आपको 11 बातें मेरी याद रखनी है, जितनी बातें कवर हो जाएंगी मैं आपको सिखा दूंगा। लीडरशिप लेसन बाय CKR। CKR बोले तो मेरा नाम है क्रेजी काजिम रजा, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था काजिम रजा, मैंने रख लिया है क्रेजी काजिम रजा। क्रेजी का मतलब होता है जुनूनी या कहते पागल, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी पागल लोग हैं वही दुनिया को चला रहे हैं, बाकी पढ़े लिखे तो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं पता नहीं आपको, ठीक है। इस दुनिया को जितने भी लोग चला रहे हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग इस दुनिया को, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई भी हो, जो इस दुनिया में लीड कर रहे हो सब पागल है, क्योंकि पागल ही दुनिया चला सकते हैं। पढ़ा लिखा तो नौकरी करेगा, उसका सेट है 90%, उधर ही उसका फिक्स है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। लीडरशिप का मतलब पागलपन होता है। लीडरशिप का रूल नंबर 1 एज पर मी, लीडर आर रीडर। जोर से बोलिए। सो लीडर्स आर रीडर्स। कौन सा बुक पढ़ने का, 1 मिनट मैनेजर, जोर से बोलो 1 मिनट लीडर। ये 2 किताब पढ़ डालने का, पहला सबसे पहला फुर्सत में जब टाइम मिले। आजकल हिंदी में, इंग्लिश में, आजकल तो ऑडियोबल भी आ गया, सुन सकते हो आप। लीडर्स आर, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि अब इसलिए जब एजेंट थे तो जरूरत नहीं थी, अब टीम को रोज कुछ ना कुछ डायलॉग बाजी करना है। वो दुखी होके आके बैठे थे, सर धंधा नहीं हो रहा है, सर बोलते मेरा भी नहीं हो रहा है।
तो कुछ ना कुछ तो डायलॉग मोटिवेट तो करना पड़ेगा, जा लग जा लग जा, फाड़ डाल तोड़ डाल, तो वो किधर से आएगा? जब तो पढ़ेगा तब तो आएगा, पढ़ते नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लीडर का काम है पढ़ो, जोर से बोलो और पढ़ाओ, यही तुम्हारा काम है, पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ, रोज सुबह शाम यही अपना काम है, पढ़ने का पढ़ाने का, पढ़ने का पढ़ाने का, पढ़ने का पढ़ाने का, अपना काम ही है ये, पढ़ो और पढ़ाओ। टीम को क्या पढ़ाओगे तुम? कुछ पढ़ोगे तो पढ़ाओगे ना, कुछ डायलॉग, कुछ कहानी, कुछ किस्से, कुछ कुछ तो तब तो बोलोगे अपने टीम को। इवन मीटिंग में क्या कुछ बताते नहीं हो, इसलिए लोग आते नहीं। आपके यूनिट मीटिंग में कुछ बताने के लिए कोई तो कहानी चाहिए, कोई तो डायलॉग चाहिए। लेकिन आज मेरे गुरु ने मुझे सिखा दिया, मेरे गुरु यानी जहां मैं ट्रेनिंग लेता हूं, टोनी रॉबिन्स, नाम सुना होगा आपने। टोनी रॉबिन्स इज द बेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड जो लीडर्स क्रिएट करते हैं। उन्होंने बोला, हमें सिखाया हमारे ट्रेनिंग में, कि लीडर्स के घर में, जोर से बोलिए, पीछे वाले बोलिए, लीडर्स के घर में टीवी छोटा होना चाहिए, लाइब्रेरी बड़ा होना चाहिए। अगर आप लीडर है तो टीवी छोटा होना चाहिए लेकिन लाइब्रेरी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो आप पढ़ाएंगे कैसे लोग? यू हैव टू रीड। नंबर टू, ये जो मैंने सीखा वो सिखा रहा हूं आपको, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, ये मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है। पॉइंट नंबर टू, लीडरशिप सक्सेस डिपेंड्स, लीडरशिप की सफलता निर्भर करती है 15% टेक्निकल ज्ञान और 85% पीपल मैनेजमेंट। यानी एक लीडर को टेक्निकल ज्ञान बहुत नहीं होना चाहिए, फार्म कैसा भरने का, MHR कैसा लगाने का, वो सब तुम सीख जाएगा, वो सब कोई ड्रामा नहीं है। आपको सीखना है, मेरे पास जो खतरनाक आदमी आया है उसको कैसा सेट करने का है, उसको बोलते पीपल मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे पास आते कौन है? असफल लोग, जोर से बोले, सफल लोग नहीं आते अपने पास। दुनिया के सारे दुखियारे जितने हैं ना, वो अपने को मिलते हैं। अपने पास माधुरी, करीना, अक्षय कुमार नहीं आएगा, अपने पास सब फटीचर लोग आते हैं। लेकिन उस फटीचर को शाहरुख खान बनाना, अमिताभ बच्चन बनाना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। मेरा गोवा में मेरा वर्कशॉप था डीओस लोगों के लिए लीडरशिप के ऊपर, तो एक सवाल पूछा किसी ने मुझसे, एक क्वेश्चन पूछा किसी ने मुझसे, बहुत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा, बोले सर अच्छे एजेंट नहीं मिलते, अच्छे एजेंट नहीं मिलते, अच्छे एजेंट नहीं मिलते। मैं बोले जरा सर जी, बोले क्या, भगवान से खाली इतना प्रार्थना करो कि बच्चा हो जाए, डॉक्टर बच्चा नहीं होता, भगवान बच्चा देता है, डॉक्टर माता पिता बनाते हैं। आपको अच्छे एजेंट नहीं मिलेंगे, एजेंट मिलेंगे, अच्छा बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ईश्वर से प्रार्थना करेगा, हे ईश्वर मुझे इंजीनियर बच्चा दे दो, ईश्वर बोलेगा मैं तेरे को बच्चा देगा, इंजीनियर तू बनाना। अच्छा एजेंट बुरा एजेंट नहीं होता है, मैं समझा पा रहा हूं आपको। 15% अपने को सीखना है महाजन साहब, क्या टेक्निकल, ये फार्म वीरम ये सब अपना काम नहीं है। मैं तो एजेंट को सिखाता हूं, एजेंट को खाली इतना ज्ञान होना चाहिए कि फार्म में साइन कहां करवाते हैं, बाकी कुछ ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो आप किसी से मोहब्बत करते हो, किसी से इश्क करते हो, सर आप किसी से प्यार करते हैं मान लीजिए, तो पहले से कर रहे हैं आप, तो उसको अगर प्रपोज करना है, हेलो, उसको जाके बोलना है, क्या बोलना है, आई लव यू शेखर जी, क्या बोलना है, तो उसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए या हिम्मत चाहिए? हिम्मत चाहिए, ज्ञान तो बाद में हो जाएगा, नहीं तो वो सिखा देंगी, प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, मैं समझा पा रहा हूं आपको। इश्क करने के लिए जोर से बोलिए हिम्मत चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए,
वैसे लीडर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो बाद में आ जाता है, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। जब आप मार्केट में तकलीफ उठाएंगे तो ज्ञान कौन सा कैसा बनेगा, कैसा पास होगा, कैसा उसको IC30। मुझे इतना बोल सर ये पास नहीं होता, कैसा पास कराऊं? मैं बोला पास नहीं हो रहा है, इसका क्वालिटी है, यही चलेगा। जो पहले एफर्ट में पास हो जाए वो एजेंट उसको निकाल देना चाहिए, वो साला कभी एजेंट नहीं बनेगा, ठीक है। जो पहला फेल हो उसी का आरती वारती निकाल के चुम्मा लेके दोबारा एजेंट बनाओ, वही चलेगा। वो जो पहला एफर्ट में 90% नहीं आया चलेगा नहीं, वो उसको लगा मैं तो साला में तो साफ बन गया 90% लाया मैं तो। तो बोले क्या बोले लोगों को, बोले कुछ मत बोला करो, एक ही चीज बोला करो, किसी को भी एजेंट बनाओ उसको बोलो इस उम्र में फेल होना अच्छा नहीं लगेगा, इतना बोल के छोड़ दो पास हो जाएगा अपने आप। बोलो सर इस एज में फेल होना अच्छा नहीं लगेगा, वो खुद ही पास हो जाएगा, हमारा काम थोड़ी ना पास करवाना। जो अपने लिए किताब नहीं पढ़ सकता, जो अपने लिए पास नहीं हो सकता, वो बीमा भी नहीं करेगा। इट इज नॉट योर जॉब। मैं समझा पा रहा हूं आपको मेरे दोस्तों, 85% इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पीपल मैनेजमेंट। लोगों को मैनेज कैसा करना, सबका मैनेजमेंट अलग है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जंगल में एक प्रतियोगिता हुई कि राजा का वजीर चाहिए, क्या चाहिए, यानी शेर जो है लायन उसका वजीर चाहिए, वजीर किसको चुना जाए। तो हु इज आइडियल, लोनो जी, सभी लोग बोले। लेकिन जंगल में चूहा भी है, शेर भी है, खरगोश भी है, हाथी भी है, जिराफ भी है। सबको बुलाया गया कि आइए 8 जनवरी को आपका परीक्षा है। सारे आके बैठ गए, शेर यहां बैठा हुआ था, सब हाथी घोड़ा चूहा बिल्ली। और एग्जाम क्या दिया मालूम है, एक एक लकड़ी जो पेड़ था वो टूट गया था, उसका इतना मोटा लकड़ी पड़ा हुआ था। शेर ने बोला जो इसको उठा के वहां तक ले जाएगा वो वजीर बनेगा। अब कौन बनेगा, हाथी। बनना कौन चाहिए था, लोमड़ी। दिस इज द प्रॉब्लम। चूहे का मैनेजमेंट अलग है और हाथी का मैनेजमेंट। आप अपने टीम में सबको एक जैसा मैनेज करते हैं, इसके लिए लोग टिकते नहीं, सबको अलग मैनेज करने का। आपके टीम में कोई हाथी है, कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, सबको एक जैसा नहीं संभाल सकते, सबका अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग लेवल है, सबको मैनेज करने का टेक्निक अलग अलग है, वो आपको सीखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पीपल मैनेजमेंट। This is called people management. ये पूरा सब्जेक्ट है, पूरा एक दिन का पढ़ाई हो सकता है इसके ऊपर। नेक्स्ट नंबर 3, महान लीडर, जोर से बोले, और सामान्य यानी ऑर्डिनरी लीडर एक ही फर्क है। महान लीडर जो निर्णय, जो डिसीजन 3 सेकंड में लेता है, किसमें, सामान्य लीडर उसको 30 दिन में ले रहा है। लीडर का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फटाक से कोई भी निर्णय लेना तुरंत, इमीडिएट। अगर आपका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप लीडरशिप की क्वालिटी में अभी पहुंचे नहीं है। लीडर डिसीजन फास्ट होना चाहिए। लीडर लोग 3 सेकंड में डिसाइड करते हैं, 3 सेकंड में, 30 सेकंड में डिसाइड कर लेते। सामान्य लीडर 30 दिन में डिसाइड करता करना क्या है, 30 सेकंड में डिसाइड करिए क्या करना है, एनीथिंग क्यों करना, फटाक टेक द फास्ट डिसीजन, मारिए फास्ट डिसीजन लीजिए, जल्दी निर्णय लीजिए। क्योंकि ईश्वर ने इतना मौका नहीं दिया है, इतना बड़ा जिंदगी नहीं है, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं मुझे भी जोड़ लीजिए उसमें, जितने भी लोग हैं, हम सभी के जिंदगी की जो फिल्म है, फिल्म समझते हैं, पिक्चर, सिनेमा, उसमें इंटरवल के पहले वाला सीन खत्म हो चुका है। किसी किसी का तो क्लाइमेक्स भी है। हमारी जिंदगी की मूवी का, किसका, जिंदगी की
50% यानी आधा सिनेमा खत्म हो चुका है, इंटरवल के पहले का सीन खत्म। अब बचा कौन सा है? ये हमारी जिम्मेदारी है कि बची हुई पिक्चर सुपरहिट होनी चाहिए, बची हुई पिक्चर शानदार होनी चाहिए। तो ईश्वर ने इतना समय नहीं दिया है कि आप एक एक साल निर्णय लेने में लगाएंगे कि मैं करूं कि नहीं करूं। ऑफिस खोलना है, निर्णय 30 सेकंड, खोल डालो। स्टाफ रखना है, रख डालो जल्दी फास्ट। एक साल से सोच रहे हैं कि स्टाफ रखूं कि नहीं रखूं, एक साल से सोच रहे हैं ऑफिस खोलूं कि नहीं खोलूं। जिंदगी के 2 साल आपने निकाल दिए सोचते सोचते। यू हैव टू टेक द फास्ट डिसीजन, इमीडिएट एक्शन, जल्दी निर्णय लीजिए फास्ट, वरना आज के युग में आपको सिखा देता हूं, जो तेज दौड़ेगा, जोर से बोलिए, वो नहीं जीतेगा, जो पहले दौड़ेगा वो जीतेगा। अब तेज का जमाना खत्म, यही एयरटेल, यही आइडिया, यही वोडाफोन आपको 300 रुपए में 1 GB दे देते, कितना 1 GB, और हम लोग जरा सा व्हाट्सएप चेक करते थे फिर बंद कर देते थे, नहीं अब बाद में देखेंगे, इनकमिंग पे पैसा, फिर आउटगोइंग पे पैसा, फिर चलो इनकमिंग पे बंद किया, फिर आउटगोइंग महंगा कर दिया, और राजा बन के घूम रहे थे। अचानक से कंपनी आई जियो, और उसने बोला मैं तुमको जीने नहीं दूंगा, नाम जियो था उसका, उसने फ्री कर दिया। अब वही टाटा, वही आइडिया, वही वोडाफोन, वही एयरटेल फोन करते आपको, मैडम चेंज मत करिए, पोर्ट मत करिए, आपको 30 GB 40 GB अगर खर्चा नहीं हुआ तो अगले साल। जमाना निकल गया, तुम्हारे कस्टमर टूट गए, तुम खत्म हो गए, क्योंकि जियो बन गया पहले दौड़ने वाला। क्या तेज दौड़ने वाला? नहीं, पहले दौड़ने वाला, जो तेज दौड़ेगा वो नहीं, जो पहला दौड़ेगा। उसने फ्री दे के मार्केट खा लिया, अब वो पूरा चार्ज कर रहा है धमाधम, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, डोंट बिकम फास्ट मूवर्स, बोलिए, बी द फर्स्ट मूवर्स, पहले दौड़िए, जल्दी निर्णय लीजिए। जब तक आप सोचेंगे तब तक कोई आगे निकल जाएगा आपसे। रूल नंबर 4 माय डियर फ्रेंड, As a leader, you are paid to be uncomfortable. आपको पैसा इसलिए मिलता है ताकि आप दुखी रहो। हेलो, यू आर पेड टू बी, ये साल का सर ने जो 50-50 लाख रुपए का जुगाड़ करवा दिया है वो खुश रहने के लिए नहीं, वी आर पेड टू बी अनकंफर्टेबल, दुखी रहने का पैसा मिलता है, तकलीफ में रहने का पैसा मिलता है। If you are comfortable, अगर तुमको आनंद आ रहा है, क्या रहा है, और कोई समस्या नहीं है, इट इज द श्योर साइन आप अपने जीवन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लीडर कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकता, लीडर हमेशा तकलीफ में रहेगा। अगर आप, कितना लोग मेरे से बोलते हैं, सर भगवान का दिया समय मजा आ गया जिंदगी में, आजकल कोई टेंशन नहीं है। मैं बोलता हूं यही सबसे बड़ा टेंशन है। तेरे को टेंशन क्यों नहीं है बाबा? क्यों? सुनिए, क्योंकि तुमने अपना खर्चा नहीं बढ़ाया। क्या नहीं बढ़ाया? इसके लिए तुम कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हो, ठीक है। अभी यहां से बाहर ठंडक में आपसे बोलूं कि 2 किलोमीटर चलना है पैदल, आधा लोग बोलेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, इतना भी अच्छा तुम ट्रेनर नहीं हो कि तुम्हारे चक्कर में वहां तक चले अपन। लेकिन आप घूम रहे थे खाना खाने के बाद और एक कुत्ता मिल गया और उसने दौड़ा लिया, 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाओगे तुम, हाँ या ना? इसका मतलब ताकत थी, बोलो, दौड़ सकते थे। पीछे कुत्ता नहीं लगता। अगर जीवन में तेज भागना है, क्या भागना है, तो पीछे कुत्ता लगाओ। कुत्ता कहते हैं खर्चे को, क्या EMI, लोन, ऑफिस, स्टाफ। जब 2-3 कुत्ते लग जाएंगे,
बस तुम्हारा स्पीड ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। आज तुम्हारा मजा क्या मालूम है, साल का 50 लाख आता है, 30 लाख खर्चा हो जाता है, 20 बच जाता है, क्यों काम करूं। टीम में 2 MBRT है वही संभाल लेते अपने, तुम्हारा खर्चा कम है, कमाई ज्यादा है, इसके लिए तुम मस्ती कर रहा है, साल ओढ़ के बैठा है। एज ए लीडर वी आर पेड टू बी एंकर, पैसा मिलता है ताकि तकलीफ में रहो, आराम करने के लिए पैसा नहीं मिलता है। अगर आपके बैंक में बैलेंस है, क्या है, ज्यादा है, तो जिंदगी हमेशा डिसबैलेंस रहेगी। अगर जिंदगी में बैलेंस लाना है ना, तो बैंक का बैलेंस खत्म करो, उड़ा दो सब, खर्चा बढ़ाओ, क्योंकि जहां आपकी कमाई, जोर से बोले ज्यादा हुई और खर्चा कम हुआ, आप काम नहीं करोगे। ये ह्यूमन नेचर, ये CLI है या ट्रेनर के ऊपर नहीं है, ये इंसान का नेचर है, ये इंसान का नेचर है, इट इज द रूल, ये ह्यूमन नेचर है मेरे दोस्त। हम इंसान हैं, हमारे खाते में पैसा आया नहीं हम शांत हो जाते, बहुत पैसा है। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, अगर आप लीडर हैं तो मेरी इस बात को जीवन भर याद रखिएगा, योर एजुकेशन शुड बी बिगर देन योर एक्सपीरियंस। आपका शिक्षा आपके अनुभव से बड़ा होना चाहिए। मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया है ताकि कुछ यहां ये इसका फोटो खींच के ले जाके अपने घर में लगा दो जिंदगी भर के लिए। आपका एजुकेशन आपके एक्सपीरियंस से बड़ा होना चाहिए। होता क्या है, जब मैंने मेरा करियर चालू किया तो मैं 2000 कमाता था, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज था वो 2000 का था, मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो 2000 का था, 2000 का एक्सपीरियंस था मेरे पास। आज मेरे स्टाफ को मैं महीने का 12 लाख रुपए सैलरी देता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास उतना देने का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मुझे महीने का 50 लाख सैलरी देना है तो मुझे उसके लिए और शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतने ही कमाओगे, उससे ज्यादा कमाने के लिए और शिक्षा लेना पड़ेगा। शिक्षा हमेशा बड़ा होना चाहिए, अनुभव से बड़ा शिक्षा होना चाहिए। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग बोलते हैं, मुझे लोग बोलते हैं, मैं ट्रेनर हूं इस इंडस्ट्री में, सुनता हूं, क्या हम 20 साल से एजेंट हैं, हमें क्या सिखाएंगे। यस, हम 20 साल से, 20 साल का एक्सपीरियंस है अपने पास रंजीत बाबू। अगर 20 साल का एक्सपीरियंस सच में है ना, तो आपके दरवाजे पे कम से कम 20 लाख का गाड़ी खड़ा होना चाहिए। जिसके पास सच में 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके दरवाजे पे कम से कम 20 लाख का गाड़ी होना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पे 20 लाख का गाड़ी नहीं है तो ये 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ये 1 साल का एक्सपीरियंस है, 20 बार किया है तुमने। सेम एक्सपीरियंस रिपीटेड बाई 20 टाइम्स, क्या हो सर, मैं DM क्लब मेंबर हूं 14 सालों से, अब तो वनवास खत्म हो गया ना, अब तो JDM बन जाओ। क्यों आप 14 साल से DM क्लब है, JDM क्लब है, CM क्लब है, क्योंकि आपने MDRT करने का कभी शिक्षा नहीं लिया, आपने जो अनुभव था उतने ही काम किया, तो आपको वही मिला जो आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके अनुभव के बराबर कमाओगे। अगर 1 लाख रुपया कमाने का अनुभव है, कितना कमाने का अनुभव है, तो आप 20 लाख नहीं कमा सकते, क्योंकि आपको 1 लाख का अनुभव है। अगर आपको 5 लाख कमाना है तो 5 लाख का शिक्षा देना पड़ेगा।
अगर 50 लाख कमाना है तो 50 लाख का शिक्षा लेना पड़ेगा, 1 करोड़ कमाना है 1 करोड़ का शिक्षा लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी शिक्षा को नहीं बढ़ाते, अपने एक्सपीरियंस को बड़ा मानते। मैं 20 साल से, तो क्या करूं, तेरा मूर्ति बनवा दूं। एक पिक्चर आया था दिलवाले दुल्हनिया, उसका रिकॉर्ड बना कि कितने साल चला वो, 18 साल चला। कितने साल चला? 18 साल चला, एक ही सिनेमा हॉल। उसको आप गूगल पे सर्च करिए, उसकी 18 साल की कमाई है 300 करोड़। कितना है? 300 करोड़। और RRR बोल के पिक्चर एक ही दिन में 400 करोड़ कमा लेता है। अब दिलवाले दुल्हनिया का जमाना खत्म हो गया सालों, अब RRR का जमाना आ गया है। अब एक दिन में 400 करोड़ कमाने का जमाना आ गया, 20 साल में 100 करोड़ कमाने का जमाना नहीं आया। 100 दिन पिक्चर चलेगा तो 100 दिन नहीं, ये 100 करोड़। हेलो, अब 100 दिन का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब 2020 का जमाना है, अब टेस्ट वेस्ट कोई नहीं देखता है। आपका एक्सपीरियंस है लेकिन आप अपनी शिक्षा को बड़ा नहीं करते। ये 2 दिन का जो आपने ट्रेनिंग यहाँ किया या जो भी अरेंजमेंट किया है, इट इज ऑसम माय डियर फ्रेंड। यही तो जरूरत है लोगों की, शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा के अलावा दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। ये एक मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि समय कम है, मैसेज दे रहा हूं आपको, नोट कर लीजिएगा, जीवन भर काम आएगा। योर फ्यूचर शुड बी बिगर देन योर पास्ट। ये मैंने खुद किया है और सिखा रहा हूं। तुम्हारा कल, बोलो, आने वाला जो कल है आज से बड़ा होना चाहिए, यानी आज बीते हुए कल से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पिछले साल आपने 1000 पॉलिसी की थी, कितना, तो 2022-23 31 मार्च जब क्लोज हो तो 1001 होना चाहिए, लेकिन 1000 में रिपीट कभी नहीं होना चाहिए। हर साल हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट से बड़ा होना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, जब मैं 2000 की सैलरी लेके घूमता था तो एक लर्निंग मुझे हुआ कि कपड़े जो है सेल्समैन के अच्छे होने चाहिए। तो मैंने एक डायलॉग लिखा अपने किताब में, आप पढ़ लीजिएगा। ड्रेस, बोले, जोर से बोले, और एड्रेस इंसान की पहचान है, इससे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ड्रेस और एड्रेस, ये इंसान की पहचान है। वो दिन, एड्रेस मतलब आपका घर, आपका ऑफिस इतना सुंदर होना चाहिए कि कोई भी आपके घर में आए तो बोले वाह क्या घर है, क्या ऑफिस बनाया तुमने। और कपड़ा ऐसा होना चाहिए, एजेंट तो इतना सुंदर दिखना चाहिए कि अगर फील्ड में निकल जाए तो लड़कियां चुम्मा ले लें तो बोले वाह, इतना सुंदर होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर, जोर से बोले, पहले हमें खरीदता है, फिर हमारी संस्था को खरीदता है, तब हमारे प्लान को खरीदता है। जो खुद को नहीं बेच सकता वो कुछ भी नहीं बेच सकता, पहले अपने आप को बेचना से। वो दिन है और आज का दिन है, ऐसे ही दिखता हूं एकदम छमक छलो। यस, छमक छलो। हफ्ते में 3 दिन बॉम्बे रहता हूं, 3 दिन जिम जाता हूं। क्यों जाता हूं जिम? सेक्सी रहने का, एकदम। आज भी रिश्ते आते हैं अपने। यस, इधर साला इतना इतना लेके घूम रहे हैं, 8वां महीना 9वां महीना। डिलीवरी कराओ उसका जल्दी, जितना जल्दी हो। ये योगा वेगा बढ़िया करवा रहे हैं आप, बहुत सही करवा रहे हैं, ये बेस्ट है योगा, योगा से ही होगा। हेलो, ओ रायपुर वालों इधर देखो, योर फ्यूचर, बोलो, बिगर देन योर पास्ट। पिछले साल 3 MDRT बनाए थे, बोलो, तो अगले साल 4 होने चाहिए, रिपीट नहीं होना, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं। पिछले साल 40 का टीम था, 41 का होना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं होना। कभी पास्ट रिपीट नहीं होना, पास्ट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आज आप 10 लाख के गाड़ी में घूम रहे हो, किसमें, तो अगला गाड़ी 15 का होना चाहिए, रिपीट नहीं।
रिपीट नहीं, लाइफ में पास्ट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, पास्ट से फ्यूचर बड़ा होना चाहिए। हर साल कुछ बेहतर करना है, हर साल कुछ शानदार करना है, हर साल कुछ और ब्यूटीफुल करना है। मेरे गुरु ने, टोनी रॉबिन्स ने हमें एक लाइन सिखाया है, मरते दम जिस दिन मरूंगा उस दिन भी इस पे काम करूंगा। आपका कंट्रीब्यूशन, दोस्त बोलिए, आपके रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए, यानी आपको जो पुरस्कार मिलता है उससे आपका योगदान बड़ा होना चाहिए। जैसे आप CLIA बने, आपको रिवॉर्ड मिला, ठीक, फिर आपने 10 का टीम बनाया, 15 का टीम बनाया, जैसे जैसे आपने योगदान करना चालू किया आपको रिवॉर्ड मिलता गया ना, फिर प्लेटिनम, कौन सा ब्रिगेड होता है, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, सुपर प्लेटिनम, और इसके बाद क्या ला, स्टार। मैं तो कहता हूं इसके ऊपर भी कोई आइटम सर ले आओ, कोई बड़ा आइटम ले आओ इसके, हाँ कुछ ऐसा, मतलब हवाई जहाज टाइप, 5 ही CLIA उसके आइटम में घुसे। यस, व्हाई नॉट, बिकॉज आपने क्या किया मालूम है, आपने एक एजेंट लिया, वो गरीब था, उसको पकड़ा, उसके जीवन में कंट्रीब्यूशन शुरू किया। क्या किया, बेटा काम करो, बेटा मेहनत करो, बेटा ऐसे काम करो, देखो फील्ड में जाओ, आपने उसको प्यार करके, मार के, मोहब्बत से उसको धीरे धीरे 12 पॉलिसी करवाया, 40 पॉलिसी करवाया, 100 पॉलिसी करवाया, MD-IT बनाया, उसके जिंदगी में योगदान करते रहे, तुमको पुरस्कार मिलता रहा। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? आप लोगों के जीवन में योगदान करते हैं, आप हर साल 5 आदमी को चुनते हैं, 6 आदमी को चुनते हैं, उदित जैन को चुना, नया लड़का, नौजवान, उसको देखा, उसको समझाया, आज वो COT बना, अब वो जब बड़ा गाड़ी में घूमेगा तो आप, वो क्या बोलेगा, मेरा सर ने मुझे इतना बड़ा लेवल पे लाया है, तो आपने उसके जीवन में क्या किया, योगदान किया, आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। जब तक योगदान करते रहोगे पुरस्कार मिलता रहेगा, प्रॉब्लम क्या है, जब ज्यादा पुरस्कार मिल जाता है तो योगदान बंद कर देते हैं। समझा पा रहा हूं सर? जब ज्यादा सम्मान, ट्रॉफी, माला, फूल, LIC में सम्मान बहुत है, हमारी जो संस्था है इसमें सम्मान बहुत मिलता है, तो एजेंट को लगता है साला मैं तो साहब बन गया, प्लेटिनम, सुपर प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। अब जब स्टार प्लेटिनम बन गया तो रिक्रूटमेंट बंद, क्यों, अरे अब तू इतना काम, योगदान बंद, क्या बंद, तो याद रखना 5 साल में LIC पुरस्कार भी छीन लेगा, क्योंकि योगदान बंद हो जाएगा तो पुरस्कार बंद हो जाएगा। योगदान करते रहना मेरे दोस्तों, पुरस्कार चालू रहेगा, योगदान जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन पुरस्कार खत्म, योगदान मन बंद करिएगा। हर साल रिक्रूटमेंट करना है, हर साल 10-20 को पकड़ना है, हर साल 10-20 MD-IT बनाने, हर योगदान बढ़ाते जाइए, पुरस्कार बढ़ता जाए, जिस दिन योगदान बंद उस दिन से पुरस्कार छीन लेगा। ये नियम है, ये रूल है मेरे दोस्तों, ये सिद्धांत है जीवन का। एक और मैसेज में दे के जाना चाहता हूं आपको, आपका परफॉर्मेंस, जोर से बोलिए, आपके तालियों से बड़ा होना चाहिए। यस, क्यों, क्योंकि ये जो तालियां बजती है ना, वो मेरे लिए नहीं बजती, आपके लिए नहीं बजती, आपके परफॉर्मेंस के लिए बजती है। जिस दिन परफॉर्मेंस बन उस दिन तालियां बन। ये आपको लगता है कि आपके लिए LIC में ताली नहीं बजती है, आप प्लेटिनम ब्रिगेड है, गोल्ड ब्रिगेड है, आप सुपर प्लेटिनम है, आप स्टार प्लेटिनम है, आपने 5 MD-IT बनाए, 10 MD-IT बनाए, आपने 100 रिक्रूट, उसके लिए तालियां बज रही। जिस दिन आपका प्रदर्शन डाउन हो जाएगा तालियां खत्म हो जाएंगी। ये दुनिया गजनी है, क्या है ये, बहुत जल्दी भूल जाती है, ये तुमको याद भी नहीं रखेगा कोई। काजिम रजा 1 साल काम ना करे लोग भूल जाएंगे। भारत पारिक, भारत के नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट, अगर 0 बिजनेस करने लगेंगे तो भी LIC उनको भूल जाएगी। क्यों, क्योंकि परफॉर्मेंस की ताली होती है, किसकी,
जिस दिन परफॉर्मेंस नहीं उस दिन ताली नहीं। इसीलिए मेरा परफॉर्मेंस हमेशा शानदार होता है, क्योंकि मुझे पता है ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भी मुझे सम्मान मिला, ये शॉल दिया, इतने प्यार से बुलाया, ये सब परफॉर्मेंस की वजह से है, कि मेरे लिए नहीं, कि मेरे परफॉर्मेंस के लिए। और जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा, तालियां बजना बंद हो जाएंगी। याद रखिएगा, ये सब कुछ जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपके परफॉर्मेंस के लिए है। आपने सोच लिया, जोर से बोलिए, कि मुझे नंबर वन सीएलआईए बनना है, लेकिन आपने सिस्टम नहीं बनाया तो आप नंबर वन नहीं बन पाए। खाली सोचने से नहीं होगा। पहला यस क्या है और दूसरा यस है सिस्टम, क्योंकि सोचते सब हैं लेकिन सिस्टम नहीं बना। पहले सिस्टम को बनाओ, जोर से बोले, बाद में सिस्टम आपको बना देगा। जो सिस्टम बनाता है, सिस्टम उसको बना देता है। अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है, आपके पास, आपको ब्रीफिंग सिटिंग मीटिंग कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, आपको स्टाफ ऑफिस मैनेजमेंट पता नहीं है, रिक्रूटमेंट टीम नहीं है, लैपटॉप सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप 200 का टीम नहीं बना पाए। थर्ड एस है सस्टेन। सोच भी लिया, सिस्टम बना के 100 का टीम, लेकिन वो 100 का टीम अगले 20 साल तक बना, उसको सस्टेन कर, मेंटेन। वो मेंटेन करने के लिए आपको 5 चीजें लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 चीजें। कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज खाली आप नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन करने का मेरे पास समय नहीं है। मेरा एक ही मिशन है, मिशन 200, यानी हर लीडर के पास 200 का टीम होना चाहिए, कम से कम 200 का टीम होना चाहिए दोस्तों। और आखिरी मेरा एक बात याद रखिएगा, जब तक आपका एजेंट होंडा सिटी में नहीं घूमेगा, तब तक आपकी मर्सिडीज नहीं आएगी। आपकी टीम जब तक परफॉर्म नहीं करेगी, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जब तक आपके एजेंट तरक्की नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। जब तक आपका अभिकर्ता गुरु नहीं होगा, आप गुरु नहीं हो सकते। अगर आपका एजेंट गोवा घूमना चालू करेगा तो आप सिंगापुर घूमना चालू करेंगे। अगर आपका अभिकर्ता 1 BHK में आएगा तो आप 5 BHK में जाएंगे। जब तक आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, तब तक आप गुरु नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। तो मैं आप सभी को इस प्रोग्राम में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी टीम कम से कम 200 लोगों की हो। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।